precious friends, it's such a joy for us to meet you as a family. बहुमूल्य दोस्तों, एक परिवार के रूप में आप सभी से मुलाकात करना ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है. Wish you a very blessed, joyous Easter. हाँ, आपको बहुत ही आशीषित और बहुत ही आनंद से भरा हुआ ईस्टर मुबारक हो. Well, today we remember the resurrection of our Lord Jesus. आज हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण करते हैं. And we believe there's going to be a resurrection in your life too. और हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में भी पुनरुत्थान होगा. So expect great things from God. और इसलिए आप परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा कीजिए. So, what does resurrection mean to us? यानी पुनरुत्थान का हमारे लिए क्या अर्थ होता है? Just in one line. बस एक लाइन में. Shilpa. Whenever I think of resurrection, I think of how God won over death. और जब भी मैं पुनरुत्थान के बारे में सोचती हूँ तो मैं इस बात के बारे में सोचती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय पाई है. There's no need for us to fear about death anymore because Christ is resurrected this day. और मसीह यीशु जी उठा, इसलिए अभी हमें मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है. Sam. Sam. This time, looking forward to see that all things are truly going to become new. और ये तो इस बात को देखना है कि सब कुछ सच में नया हो जाता है. The way of living, I mean, we've been closed down now, but everything's going to change afterwards. और जैसे कि जीने का जो तरीका है, ये सब कुछ निश्चय बदलते चले जाएगा बाद में. We're going to come out even stronger and full of fire to do the will of God. और हम और भी बलवान होकर आगे आएंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आग से भर जाएंगे. Things are going to be new. और सब कुछ बिल्कुल नया हो जाएगा. Resurrection makes everything new. पुनरुत्थान सब कुछ नया कर देता है. What about you, Stella? Stella, आप क्या कहेंगी? We celebrate victory because Jesus has overcome the world. यीशु ने संसार पर विजय पाई है, इसलिए हम विजय का उत्सव मनाते हैं. Today is a day of celebration for all of us. आज का ये दिन हम सब के लिए उत्सव का दिन है. Whoever believes in the name of Jesus. जो भी प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है उसके लिए. Because he has won it on the cross, we also celebrate this victory. उसने क्रूस पर विजय पाई है, इसलिए हम भी उसके विजय का उत्सव मनाते हैं. It's going to be a season of victory. ये विजय का समय होगा. And that is connected to faith. और वो विश्वास के साथ में जुड़ा है. Because resurrection makes you believe. क्योंकि पुनरुत्थान के कारण आप विश्वास करते हैं. Believe that you can live. ये विश्वास करते हैं कि तुम जी सकती हो. So, new faith comes up. यानी नया विश्वास आता है. What about you? आप क्या कहेंगी? For me, resurrection means glory. मेरे लिए पुनरुत्थान का मतलब महिमा है. When the Lord rose up and appeared to the disciples. और प्रभु जी उठे और वो चेलों के सामने प्रकट हुए. They would have literally seen the glory of the Lord. और उन्होंने सच में परमेश्वर की महिमा को देखा होगा. In the same way, when we look upon the Lord, I know for sure God's glory will come upon us. और इसी तरह से जब हम प्रभु की ओर देखते हैं तो मैं निश्चय जानती हूँ कि परमेश्वर की महिमा हम पर आएगी. They saw Jesus with a glorified body. उन्होंने यीशु को महिमा में देह के साथ में देखा. After resurrection, he could enter anywhere and be with anybody at any time. और पुनरुत्थान के बाद तो वो कहीं भी किसी भी समय कहीं भी प्रवेश कर सकते थे, किसी के भी साथ हो सकते थे. So God gives us also the same grace through prayer. और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हम पर यही अनुग्रह करते हैं. Because of resurrection, we are able to get connected to Jesus in heaven. और पुनरुत्थान के कारण तो हम स्वर्ग में यीशु के साथ में जुड़ सकते हैं. And then when we pray, God answers those prayers for all people in the world. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर संसार के सारे लोगों के लिए उन प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं. So prayers go anywhere and everywhere. और इसलिए हमारी प्रार्थना हर जगह कहीं भी जा सकती है. Glory comes down. और महिमा नीचे आती है. The Bible says he showed his glory through miracles. बाइबल कहती है कि उसने चमत्कारों के द्वारा अपनी महिमा दिखाई. So as Jesus got a glorified body after resurrection, और जैसे पुनरुत्थान के बाद यीशु ने महिमा में देह पाई है, He transforms us from glory to glory into His image. और वो हमें महिमा से महिमा में अपने स्वरूप में बदलते चले जाते हैं. Whatever we ask for us, for anybody, He answers. और जो कुछ भी हम मांगते हैं हमारे लिए या किसी के और के लिए भी, वो उसका उत्तर देते हैं. Wow, that's fantastic. ये सच में बहुत ही अद्भुत है. Resurrection is truly a new life.
पुनरुत्थान सच में एक नया जीवन है. God is going to give everyone new life. परमेश्वर हम सबको बिल्कुल नया जीवन देंगे. You know, Jesus said, जानते हैं यीशु ने कहा, unless a grain of wheat falls on the ground, जब तक कि गेहूं का दाना जमीन पर न गिर जाए, first it has to fall, उसे सबसे पहले गिरना होगा. So, when death comes, everything fails. और जब मृत्यु आती है तो सब कुछ असफल हो जाता है. And man falls, मनुष्य गिर जाता है. The woman falls on the ground, जो स्त्री है वो जो है सब नीचे जमीन पर गिर जाते हैं. But then the grain of wheat has to die, लेकिन फिर गेहूं के उस दाने को मरना होता है. Die, मरना होता है. Then only life comes through that, और फिर उसके द्वारा जीवन आता है. And the grain comes alive and it grows to produce huge fruits. और वो जो दाना है वो जीवित हो जाता है और बहुत सा फल लेकर आता है. Multiplied fruits, बहुगुणित फल लेकर आता है. So unless a grain of wheat falls on the ground and dies, it cannot produce much fruit. और इसलिए जब तक कि वो गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर न जाए वो ज्यादा फल नहीं ला सकता. We are planted as a seed, हमने उसे बीज के रूप में बोया. But through the resurrection power of Jesus, we are raised up again. लेकिन यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हम फिर से जीवित किए जाते हैं. We die to sin. हम पाप के लिए मर जाते हैं. We don't die physically, but we die to sin in this world. हम शारीरिक रूप में तो नहीं मरते, लेकिन इस संसार में हम लोग पाप के लिए मर जाते हैं. We are resurrected through the righteousness of Jesus Christ. और यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम फिर से जी उठाए जाते हैं. Then we produce much fruit. We are a blessing to millions of people. और फिर हम बहुत सा फल लेकर आते हैं और लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाते हैं. So I believe resurrection is multiplication. और मैं विश्वास करता हूँ पुनरुत्थान तो बहुगुणन है. Until then you are one person. और उस समय तक तो आप केवल एक व्यक्ति, सॉलिटरी पर्सन, एक अकेले व्यक्ति, लोनली पर्सन, अकेलेपन में रहने वाले, सिनफुल पर्सन, पाप में मनुष्य थे. Because nobody likes you when you are a sinner. क्योंकि जब आप पापी होते तो कोई आपको पसंद नहीं करता. But when that sin dies, लेकिन जब वो पाप मर जाता है, because Jesus has come into your heart, क्योंकि यीशु आपके दिल में आए हैं, you begin to live. आप जीने लगते हैं. And you multiply to be a blessing to millions. और आप बहुगुणित होते हैं और लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाते हैं. Wow, that's what is going to happen to you. और यही तो आपके साथ में होने वाला है. Well, let's listen to this beautiful song. तो आइए हम ये सुंदर गीत सुनते हैं. We'll be back again. और फिर हम लौट कर आएंगे.
अपने सपनों की उड़ान भरिए कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के संग। अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारी वेबसाइट www.karunya.edu पर जाइए या हमें admission@karunya.edu पर ईमेल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए द डायरेक्टर एडमिशंस, KITS, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर 641114, तमिलनाडु, इंडिया, या फिर हमें फोन कीजिए 1800-425-4300 या 0422-236-3636 पर। Wow, that's glorious. ये सच में बहुत ही महिमामय है। We enjoy Jesus who is alive. यीशु जो कि जीवित है, हम उसका आनंद उठाते हैं। Today we can call on the name of Jesus because he is alive. यीशु जीवित है, इसलिए तो आज हम यीशु के नाम को पुकार सकते हैं। And he is not just alive sitting in heaven. और वो केवल ऐसे नहीं कि जीवित है और स्वर्ग में बैठे हैं। Now because of his glorified body, his spirit, the Holy Spirit, he can come into us and live in us. और अपने महिमा में देह के कारण वो अभी पवित्र आत्मा के द्वारा हम में आ सकते हैं और हम में वास कर सकते हैं। And when he comes in, we become alive. और जब वो हमारे भीतर आते हैं तो हम जीवित हो जाते हैं। And especially as a family, when you carry him. और जब परिवार के रूप में आप उसे लेकर चलते हैं, We are the body of Christ. तो हम मसीह की देह हैं। And through the life that flows out of us, millions receive life. और जो जीवन हमारे द्वारा बहता है, उसके द्वारा लाखों लोग जीवन पाते हैं। Your family also is going to be full of life. आपका परिवार भी जीवन से भर जाएगा। As the living Christ rises up within you today. जैसा मसीह, जीवित मसीह आपके अंदर में उभर कर खड़े होते हैं। Everything that has caused death in your soul. अरे एक बात जिसके कारण आपके प्राण में मृत्यु आई है, Death in your life, आपके जीवन में मृत्यु आई है, maybe a financial problem, चाहे शायद आर्थिक समस्या हो, maybe sickness, शायद बीमारी हो, maybe loneliness, शायद अकेलापन हो, maybe losses, शायद नुकसान हो, maybe hurt because of the wicked people, या हो सकता है कि दुष्ट लोगों के कारण कोई चोट लगी हो, whatever it be. चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Now we pray as a family that it will stop in your life in Jesus. अब हम परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं कि अभी ये रुक जाएगा यीशु के नाम में। Let's all pray right now for God to heal everyone who is watching. आइए अभी इस समय हर एक दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उनकी चंगाई के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। Father, we pray that you will be pleased to lay your hands on everyone who is sick, Lord. हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर आप अपना हाथ रखिए प्रभु जी। Heal them, Lord. और इन्हें चंगाई दीजिए। Heal their organs. इनके शरीर के अंगों को चंगाई दीजिए। You sick organs be healed in Jesus name. ये जो बीमार अंग हैं, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। You demonic spirits holding on to the bodies of the people, we command you to come out in Jesus name. दुष्ट आत्माएं जो इन लोगों के शरीर को जकड़े हुए हैं, हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए यीशु के नाम में। Come out. निकल जाए। Leave. चले जाए। Come on, leave in Jesus name. चले जा यीशु के नाम में। You spirits which are holding on to the brains and the minds and the spirits of the people, come out and leave them in Jesus name. जो लोगों की आत्मा, शरीर और उनके दिमाग को जकड़ी हुई सारी दुष्ट आत्माएं, निकल जाए यीशु के नाम में। We cast you out into hellfire. हम तुम्हें नरक की आग में फेंक देते हैं। You suicidal spirits come out in Jesus name. आत्महत्या करवाने वाली ये जो दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम में निकल जाए। Leave them now. इन्हें अभी छोड़ दे। You depressing spirits, leave their spirits in Jesus name. निराशा करने वाली आत्मा, निराशा लाने वाली आत्मा, इनकी आत्माओं को अभी इसी समय छोड़ दे। We throw you all out into hellfire in Jesus name. हम यीशु के नाम में तुम्हें नरक की आग में फेंक देते हैं। You sinful spirits, पाप में आत्मा, You division bringing spirits, विभाजन लाने वाली आत्मा, You fight bringing spirits, लड़ाई करवाने वाली आत्मा, You disagreement bringing spirits, असहमति लाने वाली दुष्ट आत्माएं, You hate bringing spirits, नफरत लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं, Leave them right now in Jesus name. भी इसी समय इन्हें छोड़ दे प्रभु यीशु के नाम में। And go to hellfire. और नरक की आग में चली जा। Father, release your people now. हे पिता, अभी अपने लोगों को आजाद कीजिए। Release them now.
अभी इन्हें स्वतंत्र कीजिए। By your resurrection power, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा, let them be free, ये आजाद हो जाएं, free, ये आजाद हो जाएं, in Jesus name, यीशु के नाम में, everyone who is hearing voices in their ears, हर एक व्यक्ति जो अपनी कानों में आवाज सुनता है, and everyone who is feeling the demonic spirits running in their bodies, हर एक जो अपने शरीर में दुष्ट आत्माओं को यहाँ वहाँ भागते हुए महसूस करता है, everyone who is having bad dreams, हर एक जो बुरे सपने देखते चले जाता है, we command you devils, leave them right now in Jesus name, हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं अभी इसी समय निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। Yes Lord, हाँ प्रभु, let them be free, या आजाद हो जाए। You demonic spirits which is stopping people from having a normal family life relationship, we command you to leave them in Jesus name. वो सारी दुष्ट आत्माएं जो इन लोगों को सामान्य वैवाहिक जीवन या संबंधों में रहने नहीं देते हैं, यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए। Father, release your people. पिता अपने लोगों को आजाद कीजिए। And every evil spirit which is stopping them from praying and reading the Bible and even trusting in God, bringing all kinds of thoughts in their minds, we command you evil spirits, leave them right now in Jesus name. हर एक दुष्ट आत्मा जो इनके मनों में इस तरह के बुरे विचार लेकर आती है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करने देती है, हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। Father, Lord Jesus, resurrect their spirits. हे पिता, प्रभु यीशु मसीह, इनकी आत्मा को जीवित कीजिए। Let them have a sound mind. और ये बिल्कुल मजबूत मन पाए। Lord, your power. हे प्रभु, आपकी सामर्थ्य, योर लव, आपका प्रेम, लेट देम बी फ्री इन जीसस, ये आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू बिकॉज यू आर डिलीवरिंग द पीपल, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोगों को छुड़ा रहे हैं। लेट एवरी अननेसेसरी पेन वीकनेस, लीव देम इन जीसस नेम, हर एक बेकार का दर्द और सारी कमजोरी यीशु के नाम में चली जाए, बी ही, चंगे हो जाएं, बी ही, चंगे हो जाएं, बी फ्री, और ये आजाद हो जाएं इन जीसस नेम, यीशु के नाम में। God, we send your name into them now. प्रभु हम आपके नाम को इनमें भी भेजते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Father, provide for all the financial needs. ता इनकी सारी आर्थिक जरूरतों को पूरा कीजिए। Miraculously. अद्भुत चमत्कारी रूप में। Miraculously. चमत्कारी रूप में। Them get back everything 100 times. और ये सब कुछ 100 गुना वापस पाने वाले पर। Miraculously. चमत्कारी रूप में। Thank you for your presence. की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you for your joy. आपके आनंद के लिए धन्यवाद। Thank you for the wonderful future you have prepared for your children. ने अपनी संतानों के लिए जो अद्भुत भविष्य बनाया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। No more spirit of death. अभी और कोई मृत्यु की आत्मा नहीं। Lord, protect them from this virus in Jesus name. प्रभु इस वायरस से इनकी सुरक्षा कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। Let them be protected in Jesus name. प्रभु यीशु के नाम में ये सुरक्षित रहें। The fire of the Holy Spirit flow into them. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग इनमें बहती चली जाए। Protect them from every virus. हर एक वायरस से इनको सुरक्षित रखें। Protect the little children. छोटे बच्चों को सुरक्षित रखिए प्रभु। Protect the elders. इनके बुजुर्गों को सुरक्षित रखिए प्रभु। Protect your family members. इनके परिवार के सदस्यों की रक्षा कीजिए। Who are far away from them. जो कि इनसे अभी दूर हैं। Honor them. इनका आदर कीजिए प्रभु, इनका आदर कीजिए। Thank you because you're doing that right now. धन्यवाद करते हैं क्योंकि अभी आप इसे कर रहे हैं। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। In Jesus name. यीशु के नाम में। आमीन। Oh, the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति है। Sam, would you lead us in this meditation about the resurrection power of Christ? Sam, प्रभु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य के बारे में मनन में हमारी अगुवाई कीजिए। I believe that first the Lord wants to revive our faith in the resurrection. मैं विश्वास करता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर हमारे मन में इस बात को नए जागृति में लेकर आना चाहते हैं कि हम पुनरुत्थान में विश्वास करें। When young people face so many struggles in this world, the faith starts to dry. और जब जवान लोग इस संसार में बहुत सी कश्मकश का सामना करने लगते हैं तो विश्वास पीछे हटने लगता है। Waiting for something to happen for a long time and it doesn't happen. और वो काफी समय से कुछ होने की राह देखते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। Especially in these times when their careers are uncertain, when pay is uncertain, so many things are a question mark. और इस समय जबकि उनका करियर जो है
भविष्य जो है वो तो अनिश्चित है, उनकी तनख्वाह अनिश्चित है, बहुत सी बातों में मुश्किलें होती हैं। So hard to believe that things will work out. और उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ सही काम करेगा। But God wants to revive our faith so that it doesn't die out. और परमेश्वर हमारे विश्वास को नया बनाते हैं ताकि वो मर न जाए। Because if our faith dies in the resurrection power of God, then we have nothing to lean on. अगर परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के बावजूद भी अगर हमारा विश्वास मर जाता है तो हम किसी को थाम नहीं सकते। We become weak and fall. हम कमजोर होकर गिर जाते हैं। That's why you see in the Bible when women came to visit the grave of Jesus. और इसलिए जब हम बाइबल में देखते हैं कि स्त्रियां प्रभु यीशु के कब्र के पास मिलने वहां पर आई। He had resurrected. तो उसे जीवित पाया। When they came and saw that there was no body, they were so afraid. और जब उन्होंने आकर देखा कि यीशु की मृतदेह वहां पर नहीं तो वो बहुत घबरा गई। Oh, they thought somebody had stolen the body. उन्होंने सोचा कि किसी ने उसकी देह को चुरा लिया है। They forgot what Jesus said that he would rise up. और वो तो ये भी भूल गए थे कि यीशु ने कहा कि वो जी उठेंगे। All doubts came and Jesus himself even in that moment appeared to Mary. और उनके मन में वहां पर बहुत से संदेह हुए लेकिन फिर भी उसी पल प्रभु यीशु मसीह मरियम के सामने प्रकट हुए। He himself strengthened her faith, such humility. उसने स्वयं उसके विश्वास को मजबूत किया, ये तो बड़ी नम्रता है। And it didn't stop there. The women went and said what happened to the disciples. और ये यहीं पर नहीं रुका, लेकिन उस स्त्रियों ने जाकर बताया कि चेलों को जाकर बताया कि क्या हुआ है। The disciples thought what they were speaking is nonsense. और जब चेले ने ये सुना तो उन्हें लगा कि ये सब कुछ जो कह रही है तो सब बेकार की बातें हैं। Jesus again humbling himself came and showed his wounds to the disciples. यीशु ने फिर अपने आप को नम्र करते हुए वहां पर अपने जख्मों को अपने चेलों के सामने दिखाया। Appeared to them and said, "Don't be afraid and why have you lost your faith?" और वो उनके सामने प्रकट होकर कहते कि तुम डरो मत, तुमने अपना विश्वास क्यों छोड़ दिया है? And he strengthened their faith. और उसने उनके विश्वास को बलवान किया। Again Thomas wasn't there, he didn't believe and again a third time he appeared to Thomas. और वहां पर थोमा नहीं था, उसने विश्वास नहीं किया, तो तीसरी बार वो थोमा के सामने प्रकट होते हैं। So humble, even though we lose our faith in him, he still comes and appears to us or he talks to us, revives our faith. ने आपको इतना नम्र करते हैं कि हालांकि इसने विश्वास नहीं किया था लेकिन फिर भी वो उसके सामने आते और उसके विश्वास को फिर से नया बनाते हैं। Thank God that he doesn't let our faith die out, that he doesn't let us die out. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे विश्वास को इस तरह से मरने नहीं देते, वो हमें ऐसे खत्म होने नहीं देते हैं। Today as his children, as we're waiting for something to happen in our lives. और जैसे कि आज उसकी संतान के रूप में हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ हो। Jesus cares for you to come and even revive faith that we will see his resurrection power in our life. यीशु मसीह आपकी परवाह करते हैं और वो हमारे विश्वास को नया बनाना चाहते हैं ताकि हम उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में देख सके। A woman who testified in one of our meetings said she had been waiting 12 years without a child. और हमारी सभा में एक बहन ने गवाही दी थी कि वो 12 साल तक इंतजार कर रही थी और उन्हें कोई संतान नहीं थी। She would have lost all her belief. शायद वो अपना पूरा विश्वास खो बैठी होगी। But in that meeting, God strengthened her faith. लेकिन उस सभा में परमेश्वर ने उसके विश्वास को बलवान किया। Pray, Lord, do a miracle for me. कि वो प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे लिए चमत्कार कीजिए। And amazingly, she testified that month itself she conceived. और बड़े अद्भुत रीति से उसने गवाही दी कि उसी महीने उसने गर्भधारणा की। See the power, resurrection of power of God is real and it's there. देखिए परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य तो असली है और वो वहाँ पर है। But faith connects us with that power of God. लेकिन विश्वास हमें परमेश्वर की उस सामर्थ के साथ में जोड़ देता है। That's our mission and life. और वही हमारे जीवन का मिशन है। 57 years. पिछले 57 साल से। God has given us the grace to connect with the people and say, "Don't give up. Jesus reigns." And then faith builds in their hearts. They're able to pray with us, and God does the miracle. परमेश्वर ने हमें इस तरह से रखा है कि हम लोगों को इस तरह से उनके विश्वास में जोड़ते हैं और उनके दिल में विश्वास उभर कर आता है और फिर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके लिए चमत्कार करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लाइन रन्स एवरीवेयर। ये बिजली की जो लाइन है, ये वायर है, तो हर जगह पर है। अनलेस वी टैप इनटू इट, वी कैन नॉट गेट द इलेक्ट्रिसिटी। जब तक कि हम उस बिजली के इसमें जुड़ न जाए तब तक हमें वो बिजली नहीं मिलती। वी मस्ट बिलीव दैट वी कैन आल्सो गेट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस टू Take care of our lives. और हमें विश्वास करना है कि हमारे जीवन की देखभाल करने के लिए भी हमें वहाँ से बिजली मिल सकती है। We have to, of course,
use the legal terms to tap the electricity, and in the same way, we should use the heavenly terms, that's faith, to tap the power of God. हमें तो निश्चय ही कानूनन तरीके से या सही जायज तरीके से बिजली लेनी चाहिए और वैसे ही स्वर्ग का जो तरीका है उसी तरह से परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहिए. You rightly said we need faith which connects us with the power of God. सही कहा है कि हमें विश्वास की जरूरत है कि हम परमेश्वर की सामर्थ के साथ में जुड़ जाएं. And he's so loving that he himself comes and strengthens our faith when we are down. परमेश्वर इतने प्रेमी हैं कि वो स्वयं नीचे आते हैं, वो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं. He went to the ladies who came to his tomb because of their love for him. वो यीशु मसीह उन स्त्रियों के पास में जाते हैं जो उसकी कब्र के पास आई थी क्योंकि प्रभु यीशु उनसे बहुत प्रेम करते थे. Their love for Jesus Christ drew Jesus to them. उन स्त्रियों का यीशु मसीह के लिए जो प्रेम था उसके कारण यीशु मसीह उनकी ओर खींचते हुए चले गए. On the other side, जबकि दूसरी ओर, the disciples had no faith. चेलों के अंदर कोई विश्वास नहीं था. No love. कोई प्रेम नहीं था. They were loving themselves only saying, "Oh, if I go to the tomb, they will kill me." So they were covering themselves, hiding and having a lockdown. और वो तो बस डरे हुए थे. वो ये कह रहे थे कि मैं अगर कब्र के पास में गया तो वो मुझे मार देंगे, इसलिए वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख रहे थे जैसे मानो वो खुद को लॉकडाउन में रख. But Jesus went to them also. लेकिन यीशु उनके पास में. That's fantastic. ये बहुत ही अद्भुत है. So some are in lockdown, they don't even call the name of Jesus. But Jesus goes to them also as the resurrected Lord. कुछ लोग जैसे कि लॉकडाउन में हैं और प्रभु यीशु के नाम को नहीं पुकारते हैं, फिर भी उनके प्रभु के रूप में प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने के लिए जाते हैं. But some love him and go to him, to them also he comes. लेकिन कुछ लोग जो उससे प्रेम करते हैं, उसके पास में आते हैं, उनके पास में भी प्रभु यीशु मसीह जाते हैं. And today I know many are watching who are in both cases. Would you pray for them? और मैं जानता हूं कि आज ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं जो इन दोनों केसेस में होंगे. क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद. Which is much greater than our love for you, Lord. क्योंकि प्रभु हमारा आपके लिए जो प्रेम है उससे बहुत महान है. You loved us first and you gave yourself for us. प्रभु आपने हमसे पहले प्रेम किया और आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया. प्रभु You are visiting us right now with that same love. उसी प्रेम के द्वारा अभी आप इस समय हमसे मुलाकात कर रहे हैं. Thank you, Lord, for strengthening us. हमें बल देने के लिए धन्यवाद प्रभु. For making our spirit to rise up again. प्रभु हमारी आत्मा को फिर से उभार कर खड़ा कर रहे हैं. To believe in your power. हम आपकी सामर्थ में विश्वास करें. To believe in your plan for us. कि हमारे लिए आपकी योजनाओं में हम विश्वास करें. Believe in a great future, Lord. कि प्रभु हम एक महान भविष्य में हम विश्वास करें. प्रभु as your children's faith is rising right now. प्रभु इस समय जैसे कि आपके संतानों का विश्वास उभरते जा रहा है. Bless their future. इनके भविष्य को आशीष दीजिए. Reward them, Lord. इनको प्रतिफल दीजिए प्रभु. With a wonderful career. अद्भुत करियर के द्वारा आशीषित कीजिए. The wonderful blessing. अद्भुत आशीष दीजिए. Let them be a blessing to others in this world. इस संसार में दूसरों लोगों के लिए प्रभु ये आशीष हो जाए. Thank you for a heart of great faith today, Lord. आज बड़े महान विश्वास का दिल दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु. For us to do great things for you. कि हम आपके लिए महान काम करते चले जाएं. Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Shilpa. I feel the first thing we need to ask the Lord during this Resurrection Sunday is to have a heart like Jesus. और मैं सोचती हूँ कि इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन हमें जो सबसे पहली बात प्रभु से मांगनी है, परमेश्वर से मांगनी है, वो है कि हमें यीशु के जैसे दिल दे. To have a heart full of love. ऐसा हृदय जो कि प्रेम से भरा हो. When we visited Israel last year during November, December. और जब हम नवंबर दिसंबर के समय पिछले साल इसराइल में गए थे. We visited so many places. हम वहाँ पर बहुत सी जगह पर गए थे. But when we visited the tomb of Jesus Christ, we could feel His presence so mightily. लेकिन जब हम यीशु मसीह की कब्र पर गए, तो वहाँ पर हम उसकी उपस्थिति को बड़े सामर्थ्य रीति से महसूस कर पाए. You could feel Him so close to us, surrounded by His love.
और हम तो अपने आप को उसके प्रेम से ढके हुए और उसे इतने करीब में महसूस कर पाए दैट ही लव्ड अस सो मच ही रिजरेक्टेड जस्ट फॉर अस कि उसने हमसे इतना प्रेम रखा कि वो हमारे लिए जी उठा है दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन इजराइल व्हेन वी विजिटेड और जब हम इसराइल में गए तो ये मेरी बहुत ही पसंदीदा जगह है He resurrected just for us. I love it. वो केवल हमारे लिए जी उठे ये बात मुझे पसंद है For us. हमारे लिए For you, a child is given. तुम्हारे लिए या तुम्हें एक संतान दी गई तुम्हें एक पुत्र दिया गया है So the resurrection is also for us. और इसलिए ये जो पुनरुत्थान है ये हमारे लिए है So we have to take it. और इसलिए हमें इसे लेना होगा Yes, Jesus rose up. हाँ, यीशु जी उठे हैं But as Dr. Shilpa said, you have to take it. लेकिन जैसे डॉक्टर शिल्पा ने कहा कि आपको इसे लेना होगा For you to have resurrection. कि आप पुनरुत्थान पाए Wow, that's great, great truth. Shilpa, go on. बहुत अच्छी सच्चाई है आगे बताइए Now, during this lockdown, we are all inside our homes. और इस लॉकडाउन के समय हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं There might be many families suffering because of no food, no water. बहुत से ऐसे परिवार होंगे जिनके पास न तो भोजन रहा है न पानी रहा है Because of that, there may be misunderstandings enough in the families. और इसके कारण शायद परिवार में बहुत सी गड़बड़ियाँ चल रही हैं. There may be fights. और शायद वो आपस में लड़ रहे होंगे. But during this Resurrection Sunday. लेकिन इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन. Let's ask God to fill us with a heart of love. आइए हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें प्रेम के हृदय से भर दे. When we have Jesus in our lives, we don't need anything else. और जब यीशु हमारे जीवन में होता है तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं. There will always be peace in our families. हमेशा हमारे परिवार में शांति होगी. And only when we are filled with this love can we show that love to others also. केवल जब हम इस प्रेम से भरेंगे तभी हम इस प्रेम को दूसरों पर प्रकट कर पाएंगे So, this resurrection, I feel we should ask for a heart of love. और इस पुनरुत्थान के समय मैं महसूस करती हूँ कि हमें परमेश्वर से प्रेम का हृदय मांगना चाहिए Yes, when Jesus appeared as the resurrected Lord to his disciples, the first thing he said was, Peace be unto you. और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में पहली बार अपने चेलों के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति मिले Love brings peace. और प्रेम जो है वो शांति लेकर आता है Resurrection was through the love of Jesus Christ. पुनरुत्थान तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हुआ And so we can enjoy love which will resurrect us in our hearts when the resurrected Lord comes into our families. निश्चय हम उस प्रेम का आनंद उठा सकते हैं जबकि वो प्रेम हमारे हृदय में आता है जी उठा प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार में आते हैं Sweetie. Stella Ramola has another truth. Stella Ramola के पास में एक और सच्चाई है. So I remember a story when I was a little girl. मुझे वो कहानी याद है जब मैं बहुत छोटी थी. The story or a real thing? A real story. ये असली कहानी है. So when I was around 7 or 8 years old. भग मैं 7 या 8 साल की थी. After finishing a school, when I would come back home. और स्कूल के बाद में जब मैं घर में वापस आती थी. I would come into the hall of our house and search for mom. और मैं अपने घर में आती थी, हॉल में आती थी और माँ को ढूंढती थी. I would say, "Mummy, where are you?" और मैं कहती, मम्मी आप कहाँ पर हैं? And if she wasn't there, then I would go to her room. और अगर वहाँ वो नहीं रहती, तो फिर मैं उसके कमरे में जाती. And then I would say, "Mummy, where are you?" मैं कहती, मम्मी तुम कहाँ पर हो? I would go to the bathroom, the kitchen. And then different rooms in the house. मैं बाथरूम में देखती, किचन में देखती, घर के अलग अलग कमरों में उसे देखती. I would open the door and say, "Mummy, where are you?" और मैं दरवाजा खोलकर पुकारती, "मम्मी आप कहाँ पर हैं?" And then after I would realize that she's not there, I would get scared. Oh no, what happened to mummy? और जब वो वहाँ पर नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ पर थी, तो मैं ये सोचती, डर जाती कि मम्मी का क्या हुआ? And after going round and round, I would come to the middle of the house. सब कुछ यहाँ वहाँ ढूँढने के बाद में जब घर के बीच में मैं आ पहुँच जाती. And I would say, "Mummy, Ma, where are you?" और मैं जोर से पूछती, "माँ, माँ, आप कहाँ पर हैं?" Maybe you thought mommy has raptured. Maybe that little fear was there. हाँ, शायद वो छोटा सा डर था.
So when I would say that, mommy would be hiding somewhere just to hear my voice. और मेरी आवाज को सुनने के लिए मेरी मम्मी कहीं ना कहीं छिपी होती थी. And when I would say mommy, ma, she would come running to me. और जब मैं जोर से कहती मम्मी, तो वो दौड़कर मेरे पास में आती. That mommy, ma, was the magic word. मुझे मम्मी माँ जो है she would come and hug me. वो आकर मुझे गले लगा लेती and say, I'm right here. मैं यहीं पर हूँ कहती. I remember this because this is what happened when we read the resurrection story. और जब मैं पुनरुत्थान की कहानी पढ़ती हूँ तो बस देखिए यही तो बात होती है. When Mary Magdalene and the other woman went to see Jesus after he was buried. जब मरियम मगदलिनी और जो दूसरी मरियम है वो तो यीशु के वहाँ पे गाड़े जाने के बाद में उसे देखने के लिए जाते हैं. They just went to go see him. वो तो केवल उसे देखने के लिए गए थे. To honor him with all the perfume, to put it on his body. कि उसके शरीर पर वो मसाले और वो द्रव्य लगाएं और उसके द्वारा उसका आदर कर सके. But when they went there, his body was not there. लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि उसकी देह वहाँ पर नहीं है. They thought that somebody had taken his body. उन्होंने सोचा कि किसी ने उसकी देह चुरा ली है. And their hearts would have been broken at that time. उस समय उनका दिल टूट गया होगा. They would have also said, "Where is my Jesus?" शायद उन्होंने यही कहा होगा कि मेरा यीशु कहाँ पर है? Where did he go? कहाँ चले गए हैं? They would have been so sad at that time. उस समय शायद वो बहुत ही दुखी हुए होंगे. And they would have began to cry and weep. और उस समय शायद वो रो रहे होंगे. But that's when Jesus went to them. और उसी समय यीशु उसके पास में गए. They would have said, "Jesus, pa." उन्होंने शायद कहा होगा, यीशु, मेरे पिता. And his heart would have been longing to see his children. और उसका दिल तो उसके बच्चों को, उसकी संतान को देखने के लिए बहुत अभिलाषी होगा. He went to Mary and said, "Mary, why are you crying?" और वो मरियम के पास में आकर कहते हैं कि मरियम, तू क्यों रो रही है? They weren't able to recognize him at that time. और उस समय तो वो उसकी आवाज को पहचान नहीं पाए. But because Jesus called her by her name. लेकिन यीशु ने उसके नाम को लेकर उसे पुकारा. She said, "Oh my Lord." उसने कहा, हे मेरे प्रभु. It is truly Jesus. ये तो सच में प्रभु यीशु है. When we see in the Bible, we see that Jesus calls each person by name. और जब हम बाइबल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु हर एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाते हैं. By their real name. उसके असली नाम लेकर बुलाते हैं. Yeah. उसका असली नाम. So with Peter, he called him Simon. पत्रस को प्रभु यीशु ने शिमोन भी कहा है. And whenever he approached Zacchaeus, he said, "Zacchaeus, come down." और जब वो जक्कई के पास में गए तो उसने कहा, जक्कई नीचे आ. Especially when they were falling from grace, when they were not doing the right thing, he would call them by their pet name, by their original name. खास करके जब वो अनुग्रह से नीचे गिर जाते थे और जो सही काम था वो नहीं करते तो वो उसका जो असली पहले नाम था उस नाम को लेकर उन्हें पुकारते थे. Just to say, "You are the old man doing sinful things. Now come back into the new man. Get resurrected." ये कहने के लिए, देखो अभी तुम पुराने मनुष्य तो बन गए हो, तुम वहाँ पर पुराना स्वभाव में चले गए हो, अब तुम वापस आओ, जी उठो, नए मनुष्यत्व में आओ. Even when Jesus would reveal names to you during meetings or programs. यहाँ तक कि सभाओं में, हमारे प्रोग्राम में यीशु जब आपके ऊपर नाम प्रकट करते हैं, you would say, "This is your name, but this name is what people around you call you." आप ये कहते हैं कि देखिए आपका नाम तो ये है, लेकिन आपके आसपास के लोग या आपके मित्रगण जो है आपको इस नाम से पुकारते हैं. Pet name. So he knows who we are in our core. वो जानते हैं कि हम अपने भीतर कौन हैं. He's a daddy. वो हमारे पिता हैं. Oh, he loves us. वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं. And he loves to call us by our pet name. हमारा दूसरा जो नाम है उसे लेकर हमें पुकारना पसंद करते हैं. You had lot of pet names when you were growing up. जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे बहुत से दूसरे नाम थे. Little sugar. छोटी शक्कर. Little queen. छोटी रानी. And so many things. और बहुत से नाम. And Sharon called you sweetie in the hospital itself. When she saw you as a baby just born. Sharon ने जब पहली बार आपको देखा कि आप एक छोटी सी बच्ची है हॉस्पिटल में, तो उसने आपका नाम स्वीटी रखा. God loves us so much. He calls us by our pet name too. प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे पेट नेम से हमारा नाम लेते हैं. So
when Jesus called Mary by her name, तो जब यीशु ने मरियम को उसका नाम लेकर पुकारा, she knew that that is the real Jesus. उसने जाना कि ये सच्चा यीशु है. He is alive in front of her. वो तो उसके सामने जीवित है. She was able to see the resurrection power face to face. और वो उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने आमने सामने देख पाई. Yes, even today Jesus knows you by your name. हाँ, आज भी यीशु आपके नाम को जानते हैं. He is calling you today. आज वो आपको पुकार रहे हैं. Yes, the Bible says in John 14:21. अब बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 21 में. The one who loves me will be loved by my Father. जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा. And I too will love them and show myself to them. और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. So Mary loved Jesus, so she went running to see him. तो मरियम यीशु से बहुत प्यार करती थी, वो दौड़ते हुए उसे देखने के लिए गई. And Jesus showed her love by calling her by her name. यीशु ने अपने प्रेम को उस पर प्रकट किया उसके नाम से, उसे पुकारने के द्वारा. And he showed his resurrected self to her. और उसने अपने आप को उसके सामने पुनरुत्थित प्रकट किया. Yes, even today you will be able to see the resurrected Jesus and the resurrection power in your life. और आज भी आप प्रभु यीशु मसीह को, जीवित प्रभु यीशु मसीह को और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में देख पाएंगे. Tell him, Jesus, I love you. आप उससे कहिए, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ. He will show his love upon you. और वो अपना प्रेम आप पर प्रकट करेंगे. And show himself to you saying, my darling, I love you. वो आप पर अपने आप को प्रकट करेंगे और कहेंगे कि देख मेरे प्यारे बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. Talk to him today and experience this power. आज उससे बातें कीजिए और आज इस सामर्थ का अनुभव कीजिए. That was powerful. ये बहुत ही सामर्थ्य. So resurrection is all about love. तो पुनरुत्थान तो केवल प्रेम के बारे में है. Wonderful. बहुत ही अद्भुत. Now we are waiting for you. अब हम आपका इंतजार कर रहे हैं. You are in yellow because of the power of resurrection. आप पीले रंग में हैं कि ये तो पुनरुत्थान की सामर्थ है. To show the glory of God. कि परमेश्वर की महिमा को दर्शाएं. Go on, talk about it. बताइए इसके बारे में. Jesus says in John 11:25. यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, I am the resurrection and life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ. Whoever believes in me will never die, but will have the everlasting life. जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं लेकिन अनंत जीवन पाएगा. Yes, when we believe in him we will never die. और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं मरेंगे. All that the Lord expects us is to believe him. हमसे केवल प्रभु यही अपेक्षा करते हैं कि हम उस पर विश्वास करें. These days people when they die, especially when their young children die, they want to remember them as they were before. और जैसे कि इन दिनों में छोटे बच्चे जब गुजर जाते हैं तो वो उन्हें पहले जैसे थे वैसे स्मरण करना चाहते हैं. Instead of looking forward, they look back into their lives. कि जीवन में भविष्य की ओर देखने के बजाय वो उनके भूतकाल को देखते चले जाते हैं. They are hesitant to believe the life after death. मृत्यु के बाद जीवन जीने के लिए हिचकिचाते हैं. So they embalm the bodies of their children or their loved ones. वो उस समय अपने बच्चे या अपने प्रियजनों के शरीर के ऊपर ऐसे मसाले लगा कर रखते हैं. It is called extreme embalming. तो उसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा उन्होंने उस पर मसाले या द्रव लगा कर रखे हैं. They freeze the body and make the dead body to sit on the their favorite bikes. और वो उसे फ्रीज कर देते हैं और यहाँ तक कि उसकी जो मृतदेह है उसकी पसंदीदा बाइक के ऊपर भी रख देते हैं. और दे विल शो देम एज इफ दे आर ड्रिंकिंग देयर फेवरेट अल्कोहल ड्रिंक. वो इस तरह से दिखाते हैं कि वो अपनी पसंदीदा शराब पी रहे हैं. एंड इन सो मेनी वेज दे पोर्ट्रे देम एज दे वुड लव व्हाटएवर दे लाइक. और वो कई तरीके से ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें जो कुछ भी पसंद है वो बस वही कर रहे हैं. And they celebrate their funeral. और वो उनकी अंत यात्रा का इस तरह से उत्सव मनाते हैं. But then we believe in the resurrected Lord. हम तो जी उठे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं. And we believe in the life of God. प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर विश्वास करते हैं.
once when we were going for shopping with our beloved auntie called Lindsay auntie. और जब हम हमारे प्यारी लिंसी आंटी के साथ में एक बार शॉपिंग के लिए जा रहे थे, we happened to meet a person who was selling things to us. ऐसे कुछ व्यक्ति से मिले जो कि हमें कुछ वस्तु बेच रहे थे. And auntie asked him, "Do you know Jesus?" और आंटी ने उनसे पूछा कि क्या तुम यीशु को जानती हो? And this man asked us again that you believe in your resurrected Christ. और उसने पूछा कि आप विश्वास करते हैं कि वो जी उठा है और वो अभी जीवित है. The man asked, "How do you know that Jesus is alive?" और उस मनुष्य ने पूछा कि आप कैसे जानते हैं कि यीशु जीवित है? Auntie explained everything to him. और आंटी ने उसे सब कुछ बताया. And he was hesitant to believe in Christ even then. उस समय भी वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हिचकिचा रहा था. Then auntie asked him a question like, "After your death, where will you go?" लेकिन उस समय आंटी ने उनसे सवाल पूछा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम कहाँ पर जाओगे? Will you go to hell or heaven? और तुम स्वर्ग में जाओगे या फिर नरक में जाओगे? But then he did not have any answer. तब उसके पास कोई जवाब नहीं था. As we love this world, और जैसे हम इस संसार से बहुत प्रेम रखते हैं, and love ourselves, और हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, we are so hesitant to believe in Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं. But then when we have this resurrected Lord in us, लेकिन जब हम में ये प्रभु जी उठे प्रभु यीशु मसीह होते हैं, as the Bible says in Colossians 1:27. जैसे बाइबल कुलुसियों 1:27 में कहती है, He comes and lives in us and gives us glory within us. और वो तो आकर हम में रहते हैं और हमारे अंदर में वो अपनी महिमा देते हैं. The Bible says Christ in us is the hope of glory. बाइबल कहती है कि मसीह यीशु जो हम में है वो तो महिमा की आशा है. In Colossians 3:3 the Bible says, कुलुसियों 3:3 में बाइबल ये कहती है, We are literally hidden in Christ. कि हम तो सच में मसीह यीशु में छिपे हुए हैं. And when Jesus hides us in him, और जब यीशु मसीह हमें अपने अंदर में छिपा लेते हैं, We become his glory. हम उसकी महिमा हो जाते हैं. Once when we were in Karunya, Coimbatore. जब एक बार हम Karunya, Coimbatore में गए थे, Just next to our university, I happened to see a tree which had so many yellow flowers. वहाँ पर पास ही में एक पेड़ था जिसके बहुत से ऐसे पीले रंग के वहाँ पर फूल होते हैं. They were hanging and it looked so beautiful and bright. और वो तो ऐसे लटके हुए होते हैं वहाँ पर और बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमकीले ऐसे रंग के थे. Immediately I thought of the resurrection of the Lord. तुरंत मैंने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सोचा. When the Lord would rise up in us, और वो प्रभु हम में उभर कर आते हैं, we will be showing his glory to the world. फिर हम उसकी महिमा पूरे संसार के सामने प्रकट करेंगे. And we will be looking so beautiful. और हम सच में उसके सामने बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे. And our faces will shine like Jesus. और हमारे जो चेहरे हैं वो तो यीशु मसीह की जैसे तेजोमय हो जाएंगे. He literally transforms us into his image. और वो सच में हमें अपने स्वरूप में बदलते चले जाते हैं. He makes us just like him. और वो हमें बिल्कुल अपने जैसे बनाते हैं. What a blessed life we have. हमारा जीवन सच में कितना आशीषित जीवन है. And in Colossians 1:28. और कुलुसियों 1:28 में. It says he makes everyone fully mature in Christ. वो ये कहते हैं कि वो सबको मसीह यीशु में पूरी तरह परिपक्व बनाते हैं. And the resurrection power makes us mature in him. We know him. And we walk with him and become transformed like him. और पुनरुत्थान की सामर्थ के कारण हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं, हम उसे जानते हैं और हम उसके जैसे बदलते चले जाते हैं. Today you can have hope, my friend. मेरे दोस्तों, आज आप आशा पा सकते हैं. Hope to live in this world which has no hope. इस संसार में जीने की आशा जिसके पास में कोई आशा नहीं है. As Jesus Christ, the resurrected Lord, becomes your hope for your life. और जैसे जी उठे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की आशा बन जाते हैं. Now would you open your heart? क्या अभी आप अपने दिल को खोलेंगे? And say, Jesus, come into my heart.
और कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए। आई वॉन्ट टू डाई टू माई सिन, मैं तो अपने पाप के लिए मर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट एवरी सिन एंड सिनफुल नेचर दैट इज इन मी टू लीव मी नाउ, और मैं चाहता हूँ कि हर एक मेरे अंदर जो पाप है और जो पाप में स्वभाव है मुझे अभी इस समय छोड़ कर चले जाए। टॉक टू योर सिनफुल नेचर, अभी अपने पाप में स्वभाव से बातें कीजिए। एंड से इन जीसस नेम गेट आउट ऑफ मी यू सिन, कहिए कि यीशु के नाम में ही पाप निकल जाए। बिकॉज़ सिन ब्रिंग्स डेथ, क्योंकि पाप मृत्यु को लेकर आता है। यू डोंट वांट डेथ, आप ये मृत्यु नहीं चाहते हैं। यू वांट लाइफ, आप जीवन चाहते हैं। एंड जीसस क्राइस्ट कैन गिव यू लाइफ, और यीशु मसीह आपको जीवन दे सकते हैं। बाय मेकिंग यू होली, आपको पवित्र बनाने के द्वारा। रिमूविंग द सिंस फ्रॉम योर लाइफ, आपके जीवन से पाप दूर करने के द्वारा। फॉरगेट अबाउट द पास्ट, आप भूतकाल के बारे में भूल जाइए। व्हेन यू रिपेंट टुडे एंड कम टू जीसस, जब आप आज पश्चाताप करके यीशु के पास आते हैं। ही विल वॉश यू विद हिज ब्लड, वो अपने लहू से आपको धो देंगे। ही विल क्लेंस यू फ्रॉम एवरी सिन, और वो आपको हर एक पाप से शुद्ध कर देंगे। एंड गिव यू पावर टू ओवरकम एवरी सिन, और आपको सामर्थ्य देंगे कि आप हर एक पाप के ऊपर में जयवंत हो जाएं। एंड ही विल मेक यू फॉरगेट द नेचर ऑफ सिन दैट हैज हेल्ड ऑन टू यू, और हर एक पाप का स्वभाव जो आपको थामे उससे वो आपको छुटकारा देंगे। एंड फॉरगेट द ओल्ड डेज आल्सो, और आपकी मदद करेंगे कि आप पुराने दिनों को भूल जाएं। सो द ओल्ड कर्स विल नॉट फॉलो यू, ताकि जो पुराना श्राप है वो आपके पीछे कभी ना आए। जीसस विल फॉरगिव इट, यीशु इसे क्षमा करेंगे। राइट नाउ टर्न टू जीसस, अभी इसी समय यीशु के पास लौट आइए। से हैव मर्सी ऑन मी अ सिनर लॉर्ड, और कहिए प्रभु आप मुझ पर दया कीजिए, मैं तो एक पापी हूँ प्रभु। And he will resurrect you right now, और वो इसी समय आपको फिर से जी उठाएंगे। And whoever you have hurt in your life, और आपने अपने जीवन में जिस किसी को चोट पहुंचाई है, go and ask forgiveness from आप them. उनसे क्षमा मांग लीजिए। That's real resurrection. और वही तो सच्चा पुनरुत्थान है। And whatever you have taken unjustly from people, give it back to them. और आपने जो कुछ भी अन्याय करके लोगों से लिया है, आप उन्हें वापस कर दीजिए। If you have not loved others, go and love them 100 times more. आपने दूसरे लोगों से प्रेम नहीं रखा है, तो आप उनके पास में जाकर उनसे 100 गुना प्रेम कीजिए। Doesn't matter whether they receive it or not. You humble yourself as Jesus humbled himself. चाहे उन्होंने इसे स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन आप अपने आप को नम्र कीजिए जैसे यीशु ने खुद को नम्र किया था। He did not go and curse his disciples who ran away and hid themselves from Jesus. उसने जाकर उन चेलों को श्राप नहीं दिया जो कि भाग गए थे और यीशु के सामने से वो छिप गए थे। He humbled himself and went and made peace with. उसने खुद को नम्र किया और उसने जाकर उनसे मेल मिलाप कर लिया। That is resurrection. वही तो पुनरुत्थान है। Now we want to pray with you that God will strengthen you to get into this resurrected life. अब हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बल दे ताकि आप इस पुनरुत्थान के जीवन में आ सके। Evangeline, would you lead us in prayer? क्या आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे Evangeline? Shall we all hold hands and pray together? आइए हम एक साथ में हाथ थाम लें और एक साथ हम प्रार्थना करें। Our loving heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, we have been meditating about your resurrection power. प्रभु जी हम आपके पुनरुत्थान की सामर्थ पर मनन कर रहे हैं। You gave away everything for our sake, Lord. हे प्रभु आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। Even though you were so rich, हालांकि आप तो इतने धनी थे, you became so poor to make us so rich. भी प्रभु आपने हमें धनी बनाने के लिए अपने आप को इतना कंगाल कर दिया। Even now I pray for those who have backslided, Lord. हे प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो पीछे चले गए हैं। Those who have sinned against you, Lord. जिन्होंने आपके विरुद्ध में पाप किया। Father, let your precious blood cleanse them, Lord. हे पिता आपका बहुमूल्य लहू अभी इन्हें शुद्ध कर। Let your cleansing power come upon them, Lord. और प्रभु जी आपकी शुद्धिकरण की सामर्थ्य इनके ऊपर उतर आए। Lord, make them as a holy person. हे प्रभु जी आप इन्हें पवित्र व्यक्ति बनाइए। Lord, Master, let your fullness come upon them right now. हे स्वामी आपकी भरपूरी अभी इसी समय इनके ऊपर आ जाए। Make them fully mature in you, Master. हे स्वामी इन्हें आप अपने आप में पूरी तरह से परिपक्व बनाइए। Father, they need you right now. हे पिता इन्हें अभी इस समय आपकी जरूरत है। Lord, fill them with your Holy Spirit. हे प्रभु आप इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। You come into their hearts, Lord. और प्रभु आप इनके हृदय में आइए। Rise up within them, Lord. प्रभु इनके अंदर उभर कर खड़े हो जाइए। Lord, let them forget about their past life. और प्रभु ये अपने भूतकाल के जीवन के बारे में भूल जाएं। Let your children have new life right now. प्रभु आपकी संतान अभी इसी समय नया जीवन प्राप्त करें। Lord, Father, fill every heart with yourself, Lord. पिता परमेश्वर आप
आप हर एक दिल को अपने आप से भर दीजिए। अपीयर बिफोर द मास्टर, इनके सामने प्रकट हो जाइए स्वामी। लॉर्ड कॉल देम बाय देयर नेम, हे प्रभु आप इनका नाम लेकर इन्हें पुकारिए। लॉर्ड फादर रिमूव ऑल देयर प्रॉब्लम्स, लॉर्ड पिता परमेश्वर इनकी हर एक समस्या को दूर कीजिए। नो मोर फाइट्स इन देयर फैमिलीज लॉर्ड, इनके परिवार में और कोई लड़ाई झगड़े ना हो प्रभु। नो मोर डेथ लॉर्ड, और कोई मृत्यु ना हो प्रभु। फादर नो मोर, और कोई बात, नो मोर सिकनेस लॉर्ड, कोई बीमारी ना हो प्रभु। इट इज इनफ लॉर्ड, अभी जो भी हो गया ये काफी हो गया प्रभु। इट इज इनफ लॉर्ड, ये काफी हो गया प्रभु। फादर हैव कंपैशन ऑन योर पीपल लॉर्ड, हे परमेश्वर पिता अपने लोगों के ऊपर करुणा कीजिए। एंड लेट दिस Distractions end today, Lord. प्रभु ये जो विनाश है पूरी तरह से खत्म हो जाए। Father, let your love and compassion flow upon your people, Lord. हे पिता आपका प्रेम और आपकी करुणा आपके लोगों के ऊपर बहती चली जाए। As they are crying out to you to have your gifts of the Holy Spirit. प्रभु जी जैसे ये आपको पुकार रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर ले। Make them like you right now, Lord. अभी इसी समय इन्हें अपने जैसे बनाइए प्रभु जी। And fill them with all the 9 gifts of the Holy Spirit. और इन्हें पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भर दीजिए। Father, let your wisdom, let your revelation flow out of them, Lord. हे प्रभु आपका प्रकाशन, प्रभु आपकी बुद्धि इनके द्वारा बहती चली जाए। As you have said, as at the last days I will pour out my spirit upon all flesh. प्रभु जैसे आपने कहा कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर एक शरीर के ऊपर, हर एक प्राणी पर उंडेल लूंगा। Let everyone who is watching be filled with the power of the Holy Spirit. हर एक व्यक्ति जो हमें देख रहा है ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते चली जाए। Be filled with the resurrection power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से ये भर जाए। No more temptations in their life. इनके जीवन में अभी और कोई परीक्षा ना हो। No more sickness, Lord. इनके जीवन में और कोई बीमारी ना हो प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। For coming upon them right now. अभी इन पर आने के लिए। Shall we all open our mouths and say thank you, Lord? आइए अपने मुंह को खोले और प्रभु को धन्यवाद करें। Come on, praise Him now. हम आपकी स्तुति करते हैं। Praise Him now. उसकी स्तुति कीजिए। Lord is anointing you with His Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपका अभिषेक कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। फॉर कमिंग इनटू एवरी होम, हर एक घर में आने के लिए। फॉर कमिंग इनटू एवरी हार्ट, हर एक हृदय में आने के लिए। एवरी लिटिल हार्ट, हर एक छोटे हृदय में आने के लिए। एवरी यंग हार्ट, हर एक जवान हृदय में आने के लिए। एवरीवन हु इज वॉचिंग लॉर्ड, एक व्यक्ति जो देख रहे हैं उनके दिल में आने के लिए। देयर चिल्ड्रन आर देयर लव्ड वंस, दे मे बी Far away from them, Master. शायद हो सकता है इनके बच्चे या इनके प्रियजन इनसे बहुत दूरी पर हो। Fill them also with your anointing, Lord. उन्हें भी अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद For resurrecting each and every one, Lord. हम में से हर एक को जी उठाने के लिए। For building them into a new person, Lord. इन्हें एक नया व्यक्ति बनाने के लिए धन्यवाद। Every day let this anointing increase upon them. हर एक दिन यह अभिषेक इनके ऊपर बढ़ता चला जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, everyone who is single. हे पिता हर एक व्यक्ति जो अकेला है। Build them into families, Lord. प्रभु उन्हें आप परिवार में बदल दीजिए। Miraculously. अद्भुत रीति से। Even during this lockdown time, let them be built into families miraculously in Jesus' name. प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय में ये अद्भुत चमत्कारी रीति से परिवार में बदलते चले जाएं। Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It was a joy presenting the resurrected. Living Jesus to you today as a family. एक परिवार के रूप में जी उठे और उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताना ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। Remember the Jesus calls telephone prayer tower is still functioning 24 hours a day. याद रखिए Jesus calls prayer tower telephone जो prayer tower है वो दिन में 24 घंटे काम कर रहे हैं। Please call the Jesus calls prayer tower for any need 24 hours. 24 घंटे में किसी भी जरूरत के लिए कृपया करके आप जीसस कॉल्स टेलीफोन प्रेयर टावर पर फोन कीजिए। A prayer warrior will pray for you immediately. और प्रार्थना योद्धा तुरंत आपके लिए प्रार्थना करेंगे। And all your prayer requests will be sent to me for prayer.
और आपके सारी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना के लिए मेरे पास भेजे जाएंगे एंड वी विल रिप्लाई बैक टू यू और हम आपको प्रत्युत्तर देंगे इफ यू गिव अस योर ईमेल वी विल सेंड यू द रिप्लाई अगर आप हमें अपना ईमेल भेजेंगे तो हम निश्चय आपको प्रत्युत्तर देंगे अ टेलीफोन नंबर इज हमारा टेलीफोन नंबर है 0444 4599 999 000 24 hours 24 घंटे and also you can email your prayer request to me at paul@jesuscalls.org और आप अपने प्रार्थना निवेदन मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं मेरा ईमेल है paul@jesuscalls.org and go to our website और आप हमारी वेबसाइट पर जाइए jesuscalls.org पर And you will get a lot of messages, prayers, testimonies, prophecies, and their fulfillments, and so on. आप यहाँ पर बहुत से संदेश, बहुत सी भविष्यवाणियाँ, और उस भविष्यवाणियों को किस रीति से पूरा प्रभु ने किया, उन सारी बातों के बारे आप जानकारी पाएंगे. And go to our YouTube also. और साथ ही आप हमारे YouTube पर भी जाइए. There's a YouTube channel in my name, Paul Dinakaran. YouTube चैनल है मेरे नाम से पॉल दिनकरन के नाम से And another YouTube channel in the name of Jesus Calls. एक और YouTube चैनल जो कि Jesus Calls के नाम पर है And another one for the young people, U-turn. फिर तीसरा है जवानों के लिए जिसका नाम है यू टर्न The letter U and then turn. और फिर इसके लिए शब्द है U और उसके बाद में टर्न एंड यू विल गेट लॉट ऑफ Resources. आप यहाँ पर बहुत से स्रोत पाएंगे And go to our Facebook also. आप हमारे Facebook पर भी जाइए Oh, there are a lot of live shows that we are doing for you. और बहुत से ऐसे लाइव शोज हैं जो हम अभी आपके लिए कर रहे हैं During this time, it'll strengthen you. और इस समय में यह आपको बल देता चला जाएगा And our magazine is now published as an e-magazine. और अब हमारी जो मैगजीन है ये e-magazine के रूप में पब्लिश की गई है Go to our website, jesuscalls.org and read the Jesus Calls magazine in the e-version. और आप हमारी वेबसाइट jesuscalls.org पर जाकर वहां पर आप हमारी मैगजीन को ई वर्जन में यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में आप उसे पढ़िए एंड थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर अस हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद वी प्रे फॉर यू टू एज अ फैमिली हम भी परिवार के रूप में आपके लिए प्रार्थना करते हैं गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज अलाइव परमेश्वर आपको आशीष दे मुस्कुराते रहिए क्योंकि यीशु मसीह जीवित है He is with you always. वो हमेशा आपके साथ में है and you are in our hearts and prayers. और आप हमारे दिल में और हमारी प्रार्थनाओं में हैं so God bless you. प्रभु आपको आशीष दे Wish you all the best as we bid farewell to you. और जैसे कि हम आपको बाय कहते हैं आपको सभी बातें बहुत बहुत मुबारक हो जीसस कॉल्स सेवकाई हमेशा पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करती है और कोरोना के इस दुविधा भरे समय में तमिलनाडु के कोयंबटूर में इस सेवकाई की सोशल विंग शीशा और कारुण्या के एजुकेशनल विंग ने एक साथ हाथ मिलाकर इन्होंने 400 बेड्स का प्रीमाइसिस क्वारंटीन के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाया है सहभागियों ये आपकी उदार सहायता और प्रार्थना के द्वारा ही संभव हुआ है हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें